सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं और उसमें आल के ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित विषय का प्रश्नवली 1.1 के क्वेश्चन क्रमांक 5, 6 और 7। तो चलिए बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा मैं आपसे कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, तभी जाके आपको सभी सवाल आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। जाँच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या एन के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ सवाल स्टार्ट करने से पहले, कि अगर कोई संख्या अगर 0 पे समाप्त होती है तो वो निश्चित तौर पर 5 से विभाजित होने वाली होगी। यानी कि जितनी भी संख्या 0 पे समाप्त होती है उन सभी में 5 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए और उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर संख्या 5 आना उसमें ज़रूरी होता है, तभी जाके वो 6 से अगर ऐसी संख्या कोई सी है जो 0 पे समाप्त होती है तो वो 5 से विभाजित होनी चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि 6 में 5 अंक आ पाता है कि नहीं आ पाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड लेंगे और उसमें अगर 5 अंक आता है तो कोई भी संख्या जो शुरू से 6n अगर है तो वो अगर 0 पे समाप्त होती है तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा। बेसिकली इसमें दो चीज़ें अपन को देखनी है, कि एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि 0 पे अगर कोई सी संख्या समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 अंक अवश्य आना चाहिए, है ना। तो अब हमको क्या करेंगे कि हम LCM लेंगे 6 का और इससे हम पता लगा लेंगे कि कोई सी भी ये प्राकृत संख्या, जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो चलिए हम सवाल को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे हल और सवाल नंबर अपना 5 है तो वो डाल देंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं बेसिकली थोड़ा सा थ्योरी जो हमको पता है, हमको पता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाजित होती है। इतनी थ्योरी हम यहाँ पे लिख लेंगे। अतः उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अंक 5 आना जरूरी है। इतना हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे बोर देखें, तो हम क्या करेंगे 6 का LCM ले लेते हैं। 6 का अगर LCM या अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3 आ जाता है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ लिखेंगे हमने क्या देखा कि 6n जो है इसके गुणनखंड हमने किए तो 2 × 3n के रूप का है, या 2n × 3n का रूप का है। अब इसमें अगर देखा जाए तो 5 एक भी बार नहीं आया, ये 2 आया, ये 2 है और ये 3 है। यानी कि ये संख्या ऐसी संख्या है जो कोई भी अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं है, इसलिए हम ऐसा लिख देंगे अब यहाँ पे। यानी कि ऐसा जो सवाल में बताया गया है ऐसा संभव ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ संख्या 6n के अभाज्य गुणनखंड दो और तीन हैं, है ना, और संख्या 5 नहीं है।
ना। तो अब हम आगे लिख देंगे कि अतः, एक ये थ्योरी टाइप का, अतः 6n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, एक बार और पुनः मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमें यह सिद्ध करना था कि 6n जो है कभी भी अगर जीरो पर समाप्त होता है कि नहीं होता है। जैसा कि बेसिकली आपको पता है कि जीरो पर समाप्त होने वाली संख्या है 5 से पूरी तरह से कट जाती है। तो अब हमने 6 का LCM लेके देखा। अब अगर इसमें यहाँ पर कोई सी भी जगह पर अगर 5 आ जाता तो हम मान लेते कि वो जीरो पर समाप्त हो सकती है, पर इसमें 6 में कहीं पर भी जीरो पर, इसमें 6 में का LCM लेने पर कहीं पर भी 5 नहीं आया। इसका मतलब यह है कि 6n कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। ये हमको व्याख्या करके बतानी है कि ये भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। तो चलिए हम बताते हैं इनको ये भाज्य संख्याएँ क्यों हैं और किस प्रकार से हैं। हम लिखेंगे हल और सवाल नंबर ये 6 है तो 6 डाल लेंगे। तो अब हमको इसमें क्या करना है कि इसमें दो चीज़ें दी गई है, दो सवाल दिए गए, मतलब एक तो ये और एक ये। तो अब हम इनको स्टेप वाइज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप का सवाल अगर लिखे अपन यहाँ पे, तो क्या दिया गया है 7 × 11 × 13 + 13 यहाँ पर दिया गया है 7 × 11 × 13 + 13 ठीक है, यही दिया गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि 13 संख्याएं दो बार मिल रही है तो 13 में से एक 13 को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने एक 13 को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 7 × 11 और इस 13 को अपन ने बाहर ले लिया तो फिर क्या बचा अपने पास में, सॉरी प्लस लगेगा, ये प्लस और ये 13 की जगह पर एक बचा। ये किस प्रकार से हुआ मैं तुम्हें अब समझा देता हूँ कि इस 13 को और इसमें से अपन ने कॉमन लिया था तो एक 13 तो बाहर आ गया। अब इस 13 का गुणा अगर अपन इससे करेंगे तो 13 × 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 13 इसमें बाहर आ गया। अब ये 13 ये सिद्ध करता है कि ये सारी संख्याएँ 13 से भाज्य। तो अब हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, इस संख्या का गुणनखंड 13 है इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है। ठीक है, अब इसी की सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या दिया गया था कि 7 × 6 × 5 और इसके आगे 4 × 3 × 2 और फिर × 1 और फिर दिया गया था 5। ठीक है, तब हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें कॉमन संख्या अपन को 5 मिल रही है, 1 5 ये है और 1 5 ये है, तो इसमें से 5 को हम बाहर ले लेते हैं और सारी ऐसी कैसे लिख देते हैं 7 × 6 × ये 5 बाहर आ ही गया, × 4 × 3 × 2 × 1 और ये प्लस 5 था, यहाँ पर 1 बच जाएगा। 1 किस प्रकार से बच जाएगा कि इस 5 का गुणा अपन 1 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी लिख देंगे हम इस संख्या का गुणनखंड 5 है इसलिए दी गई संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक है, ये
पूरा देख लीजिए, बड़ा ही सरल सा सवाल है ये, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इस प्रकार से इसको हल करना, एक बार फिर रिवाइज अपन कर लेते हैं। इसको ऐसे गुणा करके लिखना है, 13 को बाहर ले लेना है, यहाँ पे लाइन लिख देनी है, वो बस हो गया। और उसी प्रकार से यहाँ पर दोहराना अपन को, एक बार ये सारे गुणा वाली संख्या लिखनी है, उसमें से अपन को 5 बाहर ले लेना है, बाकी की संख्या अंदर लिख देनी है और ये लाइन लिखना है, और ये बस हो गया इसका आंसर, है ना। तो और अगला सवाल देखते हैं अपन इसमें। अगला सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हम हल करेंगे, तो इसके लिए हम अठारह और 12 का एलसीएम लेंगे। तो अगर 18 का एलसीएम ले हम, तो दो नाम 18, और इसको फिर अगर काटे हम तो ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 2 6, 3 3 9, और काटे तो ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3। और अगर 12 का एलसीएम ले तो इधर 2 6 12, 2 3 6, और 3 एकम 3, तो ये आ गया। अब 18 बराबर क्या है अपना, 18 बराबर अपने पास में आया है 2 × 3 की घात 2, इसको मैंने एक साथ जोड़ा बना के लिख दिया। और उसी प्रकार अगर 12 की बात करें तो 12 के बराबर क्या है, 2 की घात 2 × 3, इसका भी मैंने जोड़ा बना के लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका एलसीएम लेंगे हम 18 और 12 का। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल होता है। तो सबसे बड़ी घातें कौन सी, एक तो ये है और एक ये है, यानी कि हम 2 की घात 2 × 3 की घात 2 का गुणा कर लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका अगर करें तो 2 × 2 = 4, और इसका अगर करें तो 3 × 3 = 9, और अगर इन दोनों को गुणा करके लिखिए 9 × 6 = 36 आता है, यानी कि वो कुल 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो अतः हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करिए। इसी के साथ में मैं वीडियो से विदा लेता हूँ, धन्यवाद।